वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक साल के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और किस तरीके से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, ये जो वीडियो है ये मोस्टली जो बेस है वो आपके इंजीनियर्स के लिए है। तो अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में सभी रिक्रूटमेंट अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज़ और फ्री लेक्चर्स, फ्री नोट्स, फ्री बुक्स की वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। उसी के साथ गाइस, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पे आपको दिखाया गया है कि आपके इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 8 महारत्न कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनियां और 74 आपकी मिनी रत्न है। और उसी के साथ आपकी 300 CSPs है। CSPs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो गाइस, जितनी भी आपकी PSUs हैं उसमें आपकी जो जॉब होती है वो एक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज़्यादा बेटर होती है। उसमें जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लाइक आपकी IOCL हो गए, ONGC हो गए, BHEL हो गए, BEL हो गए। ठीक है, तो जितनी भी आपकी NTPC, ONGC, CLBEL, IOCL, CIL, GAIL, ठीक है, तो गाइस आपको नहीं पता हर साल आपकी इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं जिनके आप फॉर्म्स भी फिल नहीं करते हो। जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर्स के, वो सिर्फ SSC JEE में अटके रह जाते हैं या फिर RRB जैसे बड़े एग्जाम का वेट करते हैं। बट गाइस, आपको नहीं पता कि IOCL ही हर मंथ मिनिमम, अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो IOCL की वैकेंसीज हर वीक, मंथ में 2 बार तो मिनिमम आती ही है। और उसमें आपकी वैकेंसीज आती है बार बार अप्रेंटिस की। सबसे पहले चीज़ गाइस, आपने देखा होगा कि अगर आपकी IOCL की वैकेंसीज आती है तो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज बहुत कम आती है, और असिस्टेंट इंजीनियर की जो आपकी IOCL की वैकेंसीज आती है वो सिर्फ आपकी पाइपलाइन डिवीजन के लिए आती है। सो गाइस, बाकी पूरी IOCL में जूनियर इंजीनियर कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्रेंटिसशिप करते हैं वहीं पर उनको एज अ JEE रख लिया जाता है। बहुत से आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी और बहुत से आपने अलग अलग टाइप की वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया होगा कि अप्रेंटिसशिप के एक साल बाद आपको निकाल दिया जाता है। गाइस, सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप कभी भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो अप्रेंटिसशिप में जो आपको प्रेफरेंस दी जाती है वो आपको दी जाती है अगर आप अपनी स्टेट से कर रहे हो। लाइक आप दिल्ली से हो बट आप जॉब कर रहे हो, अप्रेंटिसशिप कर रहे हो ONGC मैंगलोर से, और वहीं पर आपके साथ एक और स्टूडेंट ONGC मैंगलोर में कर रहा है, तो जो अप्रेंटिसशिप के बाद जो आपकी JEE की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी वो आपके एक मैंगलोर वाले स्टूडेंट को दी जाएगी। ठीक है, तो उसी के साथ अगर आप मथुरा में कर रहे हो और आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी कोलकाता या चेन्नई या मुंबई वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। सो यह सारा फंडा गाइस ये होता है। और गाइस, ये बात बिल्कुल सच है कि अप्रेंटिसशिप के बाद स्टूडेंट्स को निकाल भी दिया जाता है और एज अ JEE रख भी लिया जाता है। अगर वहाँ पर आपकी अच्छी बनती है, लाइक यू आर अ गुड वर्कर, आपका जो परफॉर्मेंस थी वो आपकी काफ़ी अच्छी थी, आपकी वहाँ पर आपने इतने टाइम बिताया तो आपके सीनियर्स के साथ अच्छी बातचीत है, आपकी अच्छी खासी वहाँ पर जान पहचान है, तो आपको एज अ JEE वहाँ पर परमानेंट रख लिया जाता है। तो गाइस, अप्रेंटिसशिप के थ्रू एक गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट जॉब पाना, एक अच्छी जॉब पाना, एक PSU में जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप टाइम टू टाइम ONGC या फिर जितने भी आपकी PSUs, मिनी रत्नास, जितनी भी आपकी आती हैं, तो सबसे पहले आप उन पर भी फोकस करें, जितने भी आपके फॉर्म्स आते हैं उनको फिल करें। ठीक है, आपका इस वक्त मोटिव होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब पाना, ना कि SSC जैसे एग्जाम के लिए पीछे भागना। SSC के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, वो मैंने अभी पोस्ट नहीं करी है, तो वो वीडियो मैं आज शाम को आपका SSC JEE का लास्ट डे है, सभी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो उन एग्जाम्स को खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, जिस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। तो आप अलार्म लगा लीजिए, 7 बजे वो वीडियो आपकी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, वो वीडियो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को गाइस आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि SSC की रियलिटी क्या है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है गाइस, तो ये तो बात हो गई कि आप के साथ, और उसी के साथ आपको एक चीज़ बता दूं, ये तो गाइस बात हो गई आपकी महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज की। इसी के साथ आपकी बात करते हैं अब आपकी स्टेट PSUs की, स्टेट की लाइक आपकी UP SSC हो गई, आपकी HSSC हो गई। UP SSC मीन्स UP सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उसी के साथ आपकी हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन। गाइस, आपकी हर स्टेट की आपकी आपका पर्सनल बोर्ड होता है जिसमें आपके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और गाइस, आपको बता दूं कि कोई भी एक नेशनल लेवल का, लाइक SSC इतनी वैकेंसीज नहीं निकालता जितना आपका पर्सनल निकाल देता है।
अगर आप अभी HSSC का देखोगे तो वहां पर भी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट वाले उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट एज अ जनरल, ठीक है, बट एज अ जनरल कैंडिडेट अदर स्टेट्स वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देखते हो। बट वहाँ पर बस क्या बेनिफिट आपको नहीं होता, वहाँ पर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज नहीं मिलती हैं, बट एक्चुअल में तो आपको वैकेंसीज मिल ही रही है ना, वहाँ पर आपकी थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। और अगर आप सिर्फ जनरल वाली देखो, अगर आप कैटेगरी से भी हो, लाइक आप यूपी से हो बट आपकी हरियाणा में वैकेंसी निकली और आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो एटलीस्ट 200-300 वैकेंसीज आपके लिए वहाँ पर तब भी हैं, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलती हैं। यूपी SSSC में गाइस इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, बट पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ क्या है कि यूपी SSSC के जितने भी आपके फॉर्म्स निकलते हैं, नोटिफिकेशन निकलते हैं, वो आपके हिंदी में रहते हैं, तो वो ऑनलाइन ना तो उनको कोई डिक्टेट करके ईजिली बताता है और ना ही आप उनको देखते भी नहीं हो, जहाँ पर आपकी हिंदी आ जाती है नोटिफिकेशन में आप उसको फिल ही करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। बट आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूपी SSSC में आपकी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, और अगर आप फॉर्म फिल करो तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ईजी है, एग्जाम भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है और सिलेक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। उसी के साथ अगर आपने यूपी SSSC JEE का फॉर्म फिल किया था तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यूपी SSSC JEE का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो गाइस मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप अपने आसपास देखो, किसी एक फॉर्म को फिल करके उसका वेट करके एक साल सिर्फ उसी की कोचिंग लेके बैठे नहीं रहो, इस तरीके से जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि आज की शाम की जो वीडियो है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज़ की आपने कोचिंग लगाई थी उसमें आपके लिए वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेट अ सेकेंड, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। सो गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हाँ, मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपकी जॉब लग सकती है, आपको पता लगेगा, लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ आप अपना पर्टिकुलर एक टाइम बना लीजिए, आपकी जैसे डिप्लोमा या बीटेक आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आप एक अलार्म सेट कर लीजिए, लाइक शाम को 4:30 बजे आपको सर्च करना है कि आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स क्या हैं, ठीक है, आपको ये सर्च करना है। अगर आप ये भी सर्च नहीं कर सकते तो मैं एक नीचे चैनल का लिंक दे दूंगा, मैं न्यू चैनल बना लेता हूँ, रिक्रूटमेंट न्यूज़ के नाम से मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जहाँ पर आपको सभी रिक्रूटमेंट अपडेट्स मिल जाएंगे इंजीनियर्स से रिलेटेड। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक करी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल CS CE व्हाटएवर योर क्वालिफिकेशन इज, अगर आप एक इंजीनियर हो तो उस पर मैं डेली आपकी इंजीनियर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट अपडेट्स डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर इतनी ज़्यादा वीडियोस डालनी होती हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देनी होती हैं, फ्री लेक्चर्स देने होते हैं और आपको गाइडेंस देनी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। तो वो मैं आपके लिए वहाँ पे उस पर डाल दिया करूँगा कि आपकी किस महारत्न मिनी रत्न या PSUs में आपकी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है, कितनी सीट्स आई हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया करूँगा मैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना कर लेना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन को टाइम से पाने के लिए बेल आइकन भी दबा देना। तो अगर अभी तक आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप एक साल में जॉब ले सकते हो तो ठीक है, और उसी के साथ आपको पता चल जाएगा, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है। उसी के साथ अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल में अप्रेंटिसशिप के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से अप्रेंटिसशिप का पूरा प्रोसेस होता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। उसी के साथ आपको शाम वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रख लीजिए, अगर आपने अभी तक बेल आइकन देख लीजिए, अगर नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगर आपने SSC JEE का एग्ज़ाम दिया है या देते आ रहे हो या 2019 वाला देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज, जो शाम को पोस्ट होगी। सो गाइज आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।